हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे 12 वीज़ाज़ आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट आए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीज़ाज़ कैसे आए और इस टाइम क्या सक्सेस रेट चल रहा है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे कैनेडा, यूके, इन सब ने वर्क परमिट देना बंद कर दिया है, वीज़ाज़ देना बंद कर दिया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया बहुत वीज़ाज़ दे रहा है। कौन सी जॉब वैकेंसीज में वीज़ाज़ आ रहे हैं और क्या प्रोफाइल पे वीज़ा आ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरा नाम है जेके और मैं आप देख रहे हैं ग्रो अप सर्विसेज। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे 12 वीज़ाज़ आए हैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहला जो वीज़ा है ये आपके सामने, फर्स्ट वीज़ा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, ये 12 वीज़ाज आए हैं। और इनकी प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो इसमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा कोई एजुकेशन नहीं थी, 12th पास थे, ना ग्रेजुएशन करी हुई थी उन्होंने, ना कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो उनका जो मैंने उनको सजेस्ट यही किया कि आप वेयर हाउस में अप्लाई करो, क्योंकि वेयर हाउस पैकिंग जॉब में क्या होता है, ज़्यादा एजुकेशन की नीड नहीं होती, बस वहाँ पे ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप कौन सी जॉब पोजीशन के लिए जा रहे हो और वहाँ पे वर्क क्या होगा, क्योंकि कल को कंपनी कोई भी आपसे क्वेश्चन पुट आउट कर सकती है, तो आपको उसका आंसर करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और इसमें कई ऐसी प्रोफाइल जो थी जो कि मैनेजर लेवल के लोग थे, लाइक यहाँ पे मैनेजिंग का काम करते थे, तो हमने उनका एज अ स्टोर सुपरवाइजर अप्लाई करा तो उनका वीज़ा भी आया, क्योंकि उनको नॉलेज थी। देखो, आपके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, बट आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो भी जॉब पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें रोल क्या होता है। देखो, सबसे पहले जो भी कंपनी को मैं लोगों को यही गाइड करता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इनको भी मैंने यही गाइड करा, काफ़ी लोग जो थे 5 साल से 2 साल से 3 साल से अप्लाई कर रहे थे, काफी जगह इन्होंने पैसे भी अपने खराब करे, तो मैंने उनको यही गाइड करा कि देखो, ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट मिलता है फ्री में, पर उनको ही मिलता है जिनको अपनी प्रोफाइल अच्छे से प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। देखो, अभी कंपनी में डायरेक्ट जो हायरिंग हो रही है ना, वहां पे आपका सीवी कवर लेटर जाता है, पहले आप नहीं जाते, आपका सीवी कवर लेटर जाता है। तो सीवी कवर लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो आपको सीवी कवर लेटर बनाना बताते हैं कि सीवी कवर लेटर आपका 1500 बना देंगे, 2000 बना देंगे, 2500 3000 बना देंगे। सीवी कवर लेटर आप फ्री में बना सकते हो, मेरी आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वो वीडियो को देखो, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक होगा वो वीडियो को देखो और वैसा ही सीवी कवर लेटर बनाओ सेम। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपका सीवी कवर लेटर देखे, आपकी प्रोफाइल देखे, बिकॉज कि देखो, सीवी कवर लेटर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि देखो, कंपनी में हमने पहले नहीं जाना, कंपनी में सबसे पहले हमारा सीवी कवर लेटर ही जाता है। तो सीवी कवर लेटर इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अच्छे से अपना रोल मेंशन करो, जो भी जॉब पोजीशन के लिए जा रहे हो उसका रोल मेंशन करो कि आप वहां जाके उस कंपनी को क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करोगे। आपको नहीं पता, आप गूगल सर्च कर सकते हो, आप कोई भी जॉब है लाइक वेयर हाउस के जो रोल होते हैं या फिर जो भी उसका काम होता है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहां से कॉपी पेस्ट करके अपनी सीवी कवर लेटर में डाल सकते हो। सीवी कवर लेटर खाली कभी नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं कि लाइक आपने कुछ इसमें एक्सपीरियंस नहीं लिखा, आपको क्या आता, सिर्फ आपने अपना नाम लिख दिया, अपना एड्रेस लिख दिया, जो भी अपनी बेसिक डिटेल्स है वो लिख दी, वो सीवी कवर लेटर कभी सिलेक्ट नहीं होता। हमेशा ऑस्ट्रेलिया में सीवी कवर लेटर वही सिलेक्ट होता है जो कि ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट का होता है, जो कि कंपनी के हिसाब से होना चाहिए, आपके हिसाब से सीवी कवर लेटर नहीं होना चाहिए, कंपनी के हिसाब से होना चाहिए। कंपनीज को क्या चाहिए वो आप अपने सीवी कवर लेटर में दिखाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखाओ, आपको डेफिनेटली कंपनी सिलेक्ट करेगी। देन उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद का प्रोसेस है कि कंपनी, लाइक कई कंपनी होती है सीवी सिलेक्शन कर लेती हैं और कई कंपनी होती है इंटरव्यू देती है। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि जो भी आपका सीवी है ना, सीवी से रेलिवेंट ही क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे। आपने अगर लिखा कि आपको 3 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपसे यही पूछेंगे आपका रोल क्या था कंपनी में, आप उनको बेसिकली अपना रोल बता दो कि मैं ये काम करता था, वो आपको सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज कि उन्होंने एक बार वेरीफाई करना होता है कि आपके जो सीवी पे डिटेल्स लिखी क्या वो करेक्ट हैं, क्या वो सच हैं, क्या उनके बारे में आपको नॉलेज है, बिकॉज कि देखो, कोई भी कंपनी हायरिंग करती है ना तो उसने आपसे काम करवाना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रोल क्या है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं कि लाइक आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद क्या करना होता है। सिलेक्शन के बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं, स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है, देन उसको आपको वीजा के लिए अप्लाई करना, तो उसमें बेसिक आपको सिर्फ पीसीसी और मेडिकल की जरूरत होती है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती है, ठीक है। वो सारी चीजें लगा के आपका वीजा आ सकता है। और बेनिफिट की बात करूं तो जो भी कंपनी में हम अप्लाई करते हैं या फिर जो भी कंपनी के साथ मेरे टाई अप्स हैं वो आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रही है, लाइक रहना खाना, फूड एंड अकोमोडेशन आपको हो गया, एयर टिकट हो गया, एम्बेसी फीस हो गया, तो आपका खर्चा जीरो होता है। बस आपने किसी ना किसी तरह कंपनी से ऑफर लेटर लेना होता है, अपना जो इंटरव्यू होता है उसे क्रैक करना होता है। बाकी मैं गाइडेंस लोगों को देता हूं कि इंटरव्यू कैसे दें, आपको इंग्लिश की नीड तो नहीं होती, बट आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाओ, क्योंकि आपने कल को ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऐसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज में जाना होता है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए, तो आपने उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई हूँ कि आप
ऑस्ट्रेलिया वीज़ाज दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज वीज़ाज नहीं दे रही, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अभी बहुत अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है, लोगों के वीज़ाज आ रहे हैं, मेरे ही नहीं और भी अलग अलग यूट्यूबर्स के वीज़ाज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सक्सेस रेट अच्छा चल रहा है। तो अभी आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। होप कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए, मैं क्योंकि टाइम टू टाइम लोगों को गाइड करता रहता हूँ, तो आप भी ऐसी वीडियो देखने के मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, लाइक आपने अप्लाई करवाना है, आपको सीवी कवर लेटर में हेल्प चाहिए, या फिर कोई भी आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, मुझसे बात करना चाहते हो, नीचे लिंक होगा, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो मेरे स्क्रीन पर नंबर आ रहे होंगे, नंबर पर कॉल करो, मेरे से मेरी टीम से बात करो, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा कि आप भी अपना वीज़ा कैसे ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच।